मिनरल वाटर के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए की टैक्स चोरी कर रही हैं। कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो करीब 1.5 दर्जन प्लांट ऐसे हैं जो करीब 2 करोड़ रुपए की चोट सेल्स टैक्स विभाग को दे रहे हैं। इसका खुलासा सेल्स टैक्स कमिश्नर मुकेश मेश्राम द्वारा जोनल कार्यालय को भेजी गई लिस्ट से हुआ है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें यस ब्रांड और जील फ्रूट्स का कॉडविन ज्ञान प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी इसमें शामिल है। सेल्स टैक्स कमिश्नर ने इन पैकिंग प्लांटों का ब्यौरा जोनल कार्यालयों से मांगा है, साथ ही जोनल दफ्तरों को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। खास बात है कि सेल्स टैक्स कमिश्नर ने इसकी गोपनीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच से पूर्व ही चोरी करने वालों के नाम सामने आ गए। सेल्स टैक्स कमिश्नर के निर्देश पर सेल्स टैक्स विभाग की एसआईबी टीम ने 13 पैकिंग प्लांटों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि शहर में 1.5 दर्जन पानी पैकिंग के प्लांट है। सेल्स टैक्स विभाग की सूची में इनकी संख्या 13 है। इन प्लांटों में मिनरल वाटर बोतल और पाउच पैकिंग के जरिए करीब 2 लाख लीटर पानी की रोजाना खपत बाजार में हो रही है। पैक पानी पर 14.5% की दर से वैट वसूला जाना चाहिए, लेकिन मिलीभगत से वसूली में गड़बड़ी सामने आई है। कानपुर देहात और उन्नाव में करोड़ों की टैक्स चोरी हो रही है। विभाग को कमिश्नर साहब ने सक्रिय किया है मेरे सीजन सात को देखते हुए, कर्णधान अधिकारियों को और एसआईबी अधिकारियों को सक्रिय किया गया है, जिससे कि इनसे इवेजन को रोका जा सके, भविष्य में इस पे इवेजन न होने पाए, इसलिए ये कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में जहां जहां मिनरल वाटर्स के ब्यूरीज हैं सबके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। और राहुल कटियार हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राहुल, काफी बड़ा खुलासा हुआ है, ये करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है, कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? बिल्कुल तुलिका, मैं आपको बता दूं कि पानी के नाम पर, मिनरल वाटर के नाम पर बड़ियां करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर रही हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 1 रुपए की चपत सेल्स टैक्स विभाग को लगाई जा रही है। इसमें कई नामी कंपनियां हैं, पान पराग की हो, जील फूड्स का गॉडविन मिनरल वाटर हो या ज्ञान प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो, कई ऐसी कंपनियां हैं, 13 कंपनियों को चिन्हित करके सेल्स टैक्स कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने एक लिस्ट जो है वो यहां कानपुर के जोनल कार्यालय को भेजी, जिसके बाद यहां के अधिकारियों ने इनके ठिकानों पर, इनके पैकिंग प्लांट पर छापेमारी की है। कितनी कर चोरी किस कंपनी ने की है इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। इसका खुलासा संभवतः आज सेल्स टैक्स के अधिकारी करेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये जो भी चपत लगाई जा रही है करोड़ों में है, क्योंकि तुलिका मैं आपको बता दूं कि रोज करीब 2 लाख लीटर पानी की खपत जो है वो शहर में होती है, और इसके मुताबिक जो जो कर जमा होना चाहिए, जो टैक्स जमा होना चाहिए, वो टैक्स जमा नहीं हो रहा था, और पिछले काफी समय से चोरी चल रही थी, जिसके बाद कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने, सेल्स टैक्स कमिश्नर जो है मुकेश मेश्राम, उन्होंने पूरे प्रदेश भर के जोनल कार्यालयों को ये जगह जगह से चिन्हित करके सूचियां भेजी हैं कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं संभवतः उनकी एक सूची भेजी गई है जोनल कार्यालयों में, और उसी के आधार पर। राहुल, सवाल ये उठ रहा है कि ये मुकेश मेश्राम ने जो लिस्ट भेजी थी जोनल कार्यालय में, ये लिस्ट कॉन्फिडेंशियल थी, इसका खुलासा नहीं होना चाहिए था, बावजूद इसके जो नाम है वो सार्वजनिक हो गए, छापेमारी की कार्रवाई हुई, सब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो जोनल कार्यालय और इन कंपनियों की वो भी उजागर होती है। बिल्कुल तुलिका, ये जो जांच जो होनी थी ये गोपनीय जांच होनी थी, जो लिस्ट दी गई थी ये गोपनीय लिस्ट थी, और ये साफ तौर पर इस चीज के निर्देश दिए गए थे कि जांच पूरी होने तक ये लिस्ट जो नाम है उनका खुलासा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और कंपनियों की मिलीभगत से ये जो नाम है इनका खुलासा पहले ही हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो 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 जांच होनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं इससे प्रभावित किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत तो साफ तौर पर सामने आ रही है सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि जांच से पहले ही जो नाम सामने आ गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो कंपनियां, उनको काफी मौका मिल गया अपनी चीजों को ठीक करने का, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत साफ तौर पर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सारी जानकारी के लिए। तो मिनरल वाटर के नाम पर करोड़ों की टैक्स चोरी हो रही है, करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है सेल्स टैक्स विभाग को। हालांकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है, 13 ऐसी कंपनियां चिन्हित की गई हैं जो सेल्स टैक्स की चोरी करती हैं पानी के नाम पर, और अब उन पर छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है।